गाइस अपलोड के 59 सेकंड्स के बाद 57 लाइक्स। चिल विकी, मेरी पोस्ट को 20 शेयर्स मिले। ओ चले 24 हो गए। ए सैंडी, ज्यादा हवा में मत उड़ना। हम सब जानते कि तेरे आधे से ज्यादा शेयर्स ना तो खुद ही करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से। बिल्कुल नहीं यार, बकवास ना कर निशा। क्या तुम लोग ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट पर अटके हो? मेरी बेबी डॉल वाली सेल्फी को ना 1125 लाइक्स मिले। ओहो क्या बात है रश्मि, लगता है तू तो फ्रेंड स्क्वायर की क्वीन बन गई है। या नकुल, रश्मि को लाइक्स क्यों नहीं मिलेगी? ये हर एवी बंदों की तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये स्पेशली उनको टैग भी करती है, राइट रश्मि? सो व्हाट, मेरे फॉलोअर्स ना मेरे फॉलोइंग से ज्यादा है, सो डोंट बी जे। रितिका, तूने मेरा पोस्ट अभी तक लाइक नहीं किया क्या? विक्की, मैं वही पोस्ट लाइक करती हूँ जो मैं एक्चुअली लाइक करती हूँ। अबे कितना भाव खाती है तू, मैं तेरे सारे पोस्ट बिना पढ़े लाइक करता हूँ यार। सो व्हाट, वैसे रितिका मैंने तेरा पोस्ट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए लाइक किया। थैंक्स राहुल। गाइस गाइस गाइस, मैंने अभी अभी एक पिक्चर अपलोड किया, चलो जल्दी से लाइक करो। लाइक करो। क्या तुम्हें सच में मेरा पोस्ट पसंद आया? बिल्कुल सच में, सिर्फ थम्स अप या टिक मार्क वाला लाइक नहीं, रियल लाइक। यस, लगता है तुम्हारा वर्कआउट ना वर्क कर रहा है, तेरे बाइसेप्स हॉट लग रहे हैं डूड। ओ बेब, इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक, सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो, नाइस। अकेली हो? मेबी, राधा क्या है डूड? क्या ये डूड अकेली अबला नारी को कंपनी देने आ सकता है? अडल्ट गेम्स खेलेंगे। यू आर सच अ मौका पर अ स्लट अपकमिंग डूड। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर, मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है, कल इवनिंग को मुझे वहाँ पहुँचना है फंक्शन में। ओ नो, एक अकेली लड़की घर में? मैं अब भी उड़कर आता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने, मेरे स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स तुम्हें सेफ रखेंगे। नो वे, तुम्हारे बाइसेप्स वाली बॉम्ब में मेरी सेफ्टी नहीं है। ओ गॉड, कोई बचाओ मुझे। मैं आ जाऊँ प्रोटेक्शन लेकर, आई मीन प्रोटेक्शन देने। डिपेंड्स। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया, अब ओके तो वहां से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहां से फर्स्ट लेफ्ट। अब कहां जाऊं, लॉस्ट हो गया हूं यार, नंबर देना तेरा, कॉल करता हूं। हैव पेशेंस टाइगर, सीधा चलता रहे, केपी सुपरमार्केट आएगा, वहां से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे, सिर्फ टॉक नहीं रॉक करेंगे रॉक। मैं पागल हुई तुमसे मिलने के लिए, आई मीन इट मिस्टर बाइसेप्स। अब चंद्रा कॉलोनी से लेफ्ट, अब राइट लेना, ये लास्ट टर्न है, अब स्ट्रेट स्ट्रेट एंड स्ट्रेट टू मी। यार पलक, ये तेरा जुपिटर अपार्टमेंट का है? मुझे तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही। मेरे मूड की मम्मी डैडी मत कर विकी, कहाँ पहुँच गया तू? दुबई पहुँचा हूँ, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस और सुनूंगा ना तो सीधे हांगकांग में मिलूंगा। सो फनी, हो कहाँ? सुंदर नगर डी एक्सटेंशन से राइट बोला था ना तुमने, राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूँ, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स मैं पहुँच रही। विकी कहाँ है यार, रात भर घर नहीं आया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। 20 लाख? 20 चमाट मिलेंगे तुझे, पता है पापा का बीपी हाई हो गया तेरी वजह से। तुझे लग रहा है कि मैं विकी बोल रहा हूँ? सुनो एक कान खोल के, विकी अब हमारे कब्जे में है और ये फिरौती की कॉल है। बस कर यार विकी, मेरे पास तेरी मिमिक्री के लिए ना अब टाइम नहीं है। मजाक समझ रखा है क्या? देख मेरी बात को सीरियसली ले वरना। अबे तू सीरियसली ले मेरी बात को और बंद कर अपनी ओवर एक्टिंग, तू मुंबई नहीं जा रहा एक्टिंग करने, अब तुझे जो भी एक्टिंग करनी है ना बेटा आके फैक्ट्री में कर लेना। अब किडनैपर की एक्टिंग कर रहा है विकी, 20 लाख रुपए मांग रहा था। दुर्गा
मैंने और विनय ने यह तय किया है कि हमारा लंगूर विकी मुंबई नहीं जाएगा एक्टर बनने, सीधा बिजनेस ज्वाइन करेगा। तेरे सामने अगर रोने वाली एक्टिंग करे ना तो पिघलना मत, समझी? अरे तो विनय बेटा कह देता ना कि 20 लाख या 5 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे, और कान पकड़ कर सीधा घसीट लाना था यहाँ पर इसे। हाँ, आपका लड़का जब भी नॉटिंग की शुरू करे तो मैं उसके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। वैसे पापा मुझे अब लग रहा है कि वो मिमिक्री नहीं कर रहा था, संदीप जैसी आवाज लग रही थी। रात भर दोनों ने साथ मिलकर ये नया ड्रामा लिखा होगा। मैं तो कहती हूँ इसे एक बार बम्बई जाने देते। दुर्गा आप सुनिए, तो वो वहां पर जाएगा, थोड़े दिन रहेगा, धक्के खाएगा, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी कि जिंदगी सिनेमा नहीं है। हाँ विकी, घर आ गया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। संदीप हद होती है मजाक की, विकी को फोन दे। अबे पूरी फैमिली एक्टर मंडली है क्या? कोई असलियत में जीता है कि नहीं? बेटे की फिक्र नहीं है तुझे? वो भाई भी मजाक में ले रहा था, समझ में नहीं आता है क्या? मैं फिरौती मांग रहा हूँ, विकी के जान के बदले 20 लाख। विकी को फोन दे या उससे बोल सीधे घर आ जाए, पापा उसे मुंबई जाने की परमिशन दे देंगे। अबे ए विकी के पापा, अगर मुझे 20 लाख नहीं मिले तो विकी ना घर आएगा ना मुंबई जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, समझा? शराब संदीप, बहुत हो गया, चुपचाप विकी को फोन दे। पापा संदीप का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तू पता कर और खरी खरी सुना देना उसे, ये कैसे दोस्त है विकी के? इन लड़कों को तमीज अमीज है या नहीं? ये क्या तरीका होता है दोस्त के फादर के साथ मजाक करने का? विकी को समझाने की बजाय उसके इस बेहुदा नाटक में उसकी मदद कर रहा। पापा संदीप का घर पास में ही है, मैं उसके घर जाकर उससे बात करता हूँ। लेकिन पापा अपने विकी के भेजे में भी ना अब कुछ बातें कस के घुसेड़नी पड़ेंगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. दो बार फोन आया तो हमें लगा हमारा विकी कोई ड्रामा कर रहा है हमारे साथ। सर एक्टिंग का कीड़ा जबरदस्त है मेरे भाई विकी में, मुंबई जाकर फिल्म में काम करने का भूत सवार है उस पर। सर कुछ ना कुछ नाटक वो करते ही रहता है, लेकिन सर इस बार ये नाटक नहीं लग रहा। इस संदीप के अलावा विकी और किस दोस्त के घर जा सकते हैं? आपने विकी के दूसरे दोस्तों से पूछा? हमने संदीप से बात की है सर, संदीप विकी के सारे दोस्तों से कांटेक्ट कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, अगर विकी संदीप के घर नहीं गया तो फिर गया कहाँ? आंटी मैं फोन करके फिरौती मांगूंगा विनय भैया या अंकल से। और कौन संदीप? कल रात को तूने और विक्की ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। क्या बोल रही हैं आप आंटी, कल रात तो विक्की मेरे घर आया ही नहीं। कल रात को जब विक्की घर से निकला तब वो विनय से ये कहकर निकला था कि वो संदीप के घर जा रहा है। हाँ भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहा है एक्टिंग करने? अरे यार संदीप के घर जा रहा हूँ भैया। इतना लेट? विनय भैया लाइफ होती है सब लोगों की, आपकी तरह नहीं है सबकी लाइफ, समझे? मेरी आवाज थी विनय भैया, मैंने 20 लाख मांगे। मुझे तो ही लगा संदीप, क्योंकि विक्की ने मुझसे कहा था वो तेरे घर जा रहा है। विक्की को एक्टिंग का शौक है, मुझे नहीं। और मैं पागल हो गया हूँ कि पहले आपको और फिर अंकल को कॉल करके फिरौती मांगूंगा। सर विकी का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ, दोनों कॉल्स विकी के नंबर से आए थे। जी सर, नाम फ्लैश हुआ था विकी का। संदीप तुम्हारे और विकी के बाकी फ्रेंड्स का क्या कहना? सबसे पूछा मैंने सर, तीन तो लड़कियां हमारे ग्रुप में, रश्मि रितिका और निशा, उनके घर तो रात को रुक नहीं सकता वो, और बाकी राहुल और नकुल दोनों से पूछा मैंने। नहीं यार सैंडी, विकी मेरे यहाँ तो नहीं आया, और मैं तो खुद लेट नाइट तक काम कर रहा था कल। कल रात को? नहीं यार, क्यों, क्या बात है सैंडी? संदीप कल विकी बाइक नहीं ले गया, कंपाउंड में ही पड़ी है उसकी बाइक। तो क्या, हमारी बगल वाली कॉलोनी में उसका सिर्फ एक ही दोस्त रहता है तू, वो जब भी तेरे यहाँ जाता है ना तो अपनी बाइक नहीं ले जाता, वरना वो हर जगह बाइक पे ही जाता है। विनय भाई आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब भी मतलब, मुझे तब से लग रहा है संदीप जब से मैंने तेरी आवाज सुनी है फोन पर। विनय भाई आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कल एक तो विक्की मेरे घर पे आया ही नहीं है, और फिर भी वो ऐसा क्यों बोलकर निकला है मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। सर पहले हमने बात को सीरियसली नहीं लिया, हमें लगा ये विकी की ही कोई नई नौटंकी है, पर बात कुछ सीरियस मालूम हो रही है। रणदीप जी आप बेफिक्र रहिए, हम अभी विकी को ढूंढना शुरू करते हैं, पर आप भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। मुंबई में आपके जितने भी दोस्त हैं रिश्तेदार हैं उन्हें फ़ोन कर पता करिए। आपने बताया कि आपके भाई को एक्टिंग का शौक है, वो मुंबई जाना चाहता था, तो हो सकता है कि शायद वो वाकई में मुंबई चला गया। हम विकी की कल रात की मूवमेंट्स ट्रैक करेंगे, अगर उसने बाइक नहीं ली तो हो सकता है कोई और ट्रांसपोर्ट लिया उसने। सुनिए जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच हमारे विकी को किसी ने किडनैप कर लिया हो? मुझे भी यही डर लग रहा है दुर्गा, पुलिस हम सबके फोन टैप कर रही है। मैंने ये छठा मैसेज भेजा विकी के फोन पर, वो जो भी था जिसने फोन किया था, मुझे एक बार बात करनी है उससे। संदीप का फोन था, संदीप ने विकी के सारे दोस्तों से दोबारा कंफर्म किया है। विनय कल विकी जब घर से निकला था तब उसके हाथ में कोई बैग वैग थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन पकड़ के मुंबई चला गया हो? नहीं माँ, बिल्कुल खाली हाथ था वो। शायद बैग पहले से किसी दोस्त के घर पर रखा हो। मुश्किल है पापा, इतना टाइम दोस्त कहाँ तक झूठ बोलेंगे या खेल खेलेंगे। सर विकी के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, कोई भी शक करने जैसा नंबर नहीं निकला।
रात को घर से निकलते वक्त भी उसकी किसी के साथ फोन पर बात नहीं हुई। कविता, 7 दिसंबर को विकी की जिन जिन के साथ बात हुई थी उन सबसे पूछा? जी सर, पर वो सब विकी के रेगुलर दोस्त हैं। लोकेशन रिपोर्ट? सर, विकी का फोन लोकेशन रिपोर्ट सीधे घर से निकलकर सुंदर नगर की तरफ दिखा रहा है जहाँ उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। विकी के फोन से अगले दिन यानी 8 तारीख को जो 2 कॉल आए थे जो शायद फिरौती के थे, उसमें से 1 कॉल जो विनय को आया वो गुरुग्राम से था और दूसरा फादर रणदीप को नोएडा से। पहला कॉल गुरुग्राम से और दूसरा नोएडा से, कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं विकी वाकई में किडनैप हुआ? लेकिन सर, कल से लेकर अभी तक उन 2 कॉल्स के अलावा फिरौती का कोई भी कॉल नहीं आया, ना तो बाप रणदीप के मोबाइल पर और ना ही विनय के फोन पर। सर, विकी अपने घर से विनय को ये बोलकर निकला था कि वो संदीप के घर जा रहा है, उसके दोस्त के घर। 100% ये विकी झूठ बोलकर किसी और से मिलने गया होगा। पर ये विकी किसे मिलने गया होगा? सर जी, अंदर आ जाओ। गुरुग्राम का नाम लिया, अभी गुरु हाजिर है। सर जी, विकी शर्मा के घर के बाहर छाया एनक्लेव से लेकर सुंदर नगर तक जहाँ पे उसका फोन ऑफ हुआ, पूरे रूट पर मेरे लड़कों ने तगड़ी फील्डिंग की। उस रात विकी शर्मा ने कोई बस या ऑटो या फिर कोई दूसरा पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो नहीं लिया। अबे गुरु सुंदर नगर में कहाँ गया था, किसके पास गया था वो बता। विकी के सारे दोस्तों के एड्रेस है हमारे पास, सुंदर नगर में तो कोई नहीं रहता। रितिका, फिर से याद करो, सुंदर नगर वहाँ कोई दोस्त है विकी का? नो सर, ऐसा कोई दोस्त याद तो नहीं आ रहा। सैंडी, 6 तारीख को जब तुम सब मिले थे तब कुछ विकी ने बोला था क्या? नहीं यार, कुछ नहीं बोला। वो कुछ बोला होता तो तुझे बता देता मैं। वैसे विकी मुंबई जाके एक्टिंग में ट्राई करने के लिए बहुत डेस्परेट था, पर ऐसे खुद की किडनैपिंग करके रैंसम मांगे, नेवर सर। विकी ऐसे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। शर्मा फैमिली का मुंबई में कोई भी रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। और अगर विकी को भागना ही था तो फिरौती के कॉल का मतलब? चलो अगर भागना ही था तो विकी का फोन सुंदर नगर में क्यों स्विच ऑफ होता? या तो गुरुग्राम में होता या नोएडा में, जहाँ से उसकी फैमिली को अगले दिन फिरौती के 2 कॉल आए, एक कॉल नोएडा से, दूसरा गुरुग्राम से। सॉलिड प्लानिंग नजर आ रही है और इस प्लानिंग में कोई ना कोई सुंदर नगर का उसके साथ जरूर शामिल रहा होगा, जिसके साथ मिलकर विकी ने ये किडनैपिंग की प्लान की होगी। सही बोल रहे सर जी आप, ये किडनैपिंग असली हो या फिर नकली, कोई ना कोई तो होगा जो विकी शर्मा के साथ हर चीज बराबर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। सर, विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो कम्युनिकेट कर रहा हो। सर जी, आप फ्रेंड स्क्वायर पर झाड़ू घुमाइए, सारी गंदगी बाहर है। सर जी, ये फ्रेंड स्क्वायर जैसे इनका घर है और ये चैट रूम जैसे इनके प्राइवेट कमरे। साइबर सेल को कॉल करो, अब इस केस का नारियल फ्रेंड स्क्वायर की चौखट पर ही फोड़ेंगे। विकी लौट आओ यार, तुम्हारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं यार, हम तेरे डैड को मना लेंगे तुझे मुंबई भेजने। हे विकी, कम ऑन यार, बताए तेरी फैमिली मुझ पर शक कर रही है कि मैं तेरे साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। यार बच्चों की जान लेगा क्या? सीरियसली नॉट डन डूड, एक मैसेज तो भेज दे कि ठीक है, आई प्रोमिस हम तेरे हर पोस्ट शेयर करेंगे, बट कॉन्टेक्ट कर यार प्लीज। विकी विकी विकी, जहाँ भी हो सेफली घर लौट आओ, कम से कम एक मैसेज तो पोस्ट कर, अपने आप को सेफ मार कर, हम पागल हो रहे हैं यार। रितिका, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो छतरपुर रोड से जा रहा है? हाँ, तभी तो ड्रॉप करने के लिए पूछा। ओके, लेट्स गो, बाय गाइस। राहुल, मुझे ना विकी की बहुत टेंशन हो रही है। यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है विकी को जरूर किसी ने फंसाया है, वरना वो घर पे झूठ बोल के नहीं जाता। दैट्स सो नॉट विकी, राइट? तो एकदम सही बोल रहा है राहुल, विकी इरिटेटिंग है लेकिन झूठा नहीं है। The number you have called is switched off. पापा, विकी का फोन अभी स्विच ऑफ है। अब क्यों नहीं फिरौती को कॉल कर रहे बोलो? पापा, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बेटा, कहीं संदीप या विकी का कोई और दोस्त विकी को फंसा कर पैसे अटना तो नहीं चाहता? अब डाउट करे भी तो किस पे पापा, बच्चे हैं सारे। काश तुम्हारी ऑनलाइन जनरेशन वक्त से पहले बड़ी ना होती। हमारा विकी सिद्धि है लेकिन इस हद तक कतई नहीं जा सकता। फोन की चैट ऐप से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ये रही पूरी चैट हिस्ट्री 6 और 7 दिसंबर की। तब तो फ्रेंड्स के चैट मैसेजेस में ही कुछ मिलना चाहिए। डीजे सर, करेक्ट, विकी का फ्रेंड्स के पेज खुल गया। ये सारे विकी के फ्रेंड के पोस्ट हैं सर। विकी के मिसिंग वाले पोस्ट को काफी लाइक्स मिले हैं। ये सर इनकी दुनिया, लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच गोल घूमती हुई। अब्दुल, हमें विकी के प्राइवेट चैट मैसेजेस देखने। ओ बेब, इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक, सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो, अकेली हो? राधा क्या है डूड? क्या ये डूड अकेली अबला नारी को कंपनी देने आ सकता है? एडल्ट गेम्स के लिए। यू आर सच अ मौका पर अस लार्ट अपकाइंग डूड। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर, मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है,
कल इवनिंग को मुझे वहां पहुंचना है फंक्शन में। एक अकेली लड़की घर में, मैं अब भी उड़कर आता हूं तुम्हें प्रोटेक्ट करने। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया। ओके, तो वहां से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहां से फर्स्ट लेफ्ट। हे पलक, अब कहां जाऊं? लॉस्ट हो गया हूं यार। केपी सुपरमार्केट आएगा, वहां से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे। राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूं, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स। क्लियर कर झांसा लगता है। इस लड़की पलक ने इनवाइट करके फंसाया विकी को। पर विकी के किसी भी फ्रेंड ने इस पलक का जिक्र तक नहीं किया सर। क्योंकि रियल लाइफ में कोई पलक होगी नहीं मैडम, ये टोटली फेक प्रोफाइल लगता है। ऑनलाइन फिशिंग, इंटरनेट पे जाल फेंकना। 100%। ये देखिए, पलक के फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक ही फ्रेंड है, और वो है आपका विकी शर्मा। जरा प्रोफाइल हिस्ट्री पे गौर कीजिए पलक की। 15 नवंबर, यानी कि 3 हफ्ते पहले, पहली बार पलक की आईडी ने विकी की एक पिक्चर को लाइक किया। ओह नाइस, एक और लाइक। उसी दिन 15 नवंबर, उसके आधे घंटे बाद, पलक का विकी के फ्रेंड्स के चैट मैसेंजर पे पहला प्राइवेट मैसेज आता है। कूल पिक डूड, आई मस्ट से, हैंडसम लगते हो, एक्टर हो। वाओ, पहली नजर में पहचान लिया। यस, आज का एक्टर, कल का सुपरस्टार। हाय, मैं विकी। विकी इस फेक पलक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जाल में फंसता है। और बाकी किसी भी असली फ्रेंड को इस बात का पता नहीं चला? थोड़ी क्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है ना सर, आजकल के यंगस्टर्स में उनके खुद के बारे में इमेज इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो भी उनके पोस्ट लाइक करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसे धड़ाधड़ बिना सोचे बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि उनकी फॉलोइंग्स बढ़ सके। दरअसल सर, सारा खेल ही फॉलोइंग है, सिंपल शब्दों में भेड़ चाल। बिल्कुल सर, सभी फ्रेंड्स में आपस में भी कॉम्पिटिशन मोड ऑन रहता है, किसकी पोस्ट को मैक्सिमम लाइक्स और शेयर्स मिले, किसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी अंधी रेस में कभी फंस जाते हैं, इन्हीं अननोन फॉलोअर्स में छुपा कोई झपट पड़ता है और फंसा देता है। बिल्कुल सर, ऐसे कई केसेस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब्दुल, इस फेक पलक के पीछे चेहरा तो कोई असली होगा ना? पूरा चांस है कि इस पलक नाम की लड़की का प्रोफाइल बनाने वाला दरअसल कोई लड़का ही हो, चालाक सा। मैं आईडी क्रैक करके आईपी एड्रेस वगैरह जो जो निकाल सकता हूँ निकालने की कोशिश करता हूँ। कहीं से तो बनाया होगा ये प्रोफाइल। लेकिन क्या अब्दुल? लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि पलक का प्रोफाइल फेक है, लेकिन पलक शायद रियल में है। पलक? सर, कोई पलक तो नहीं है हमारे सर्कल में। हाँ सर, और कोई कॉमन फ्रेंड भी होती तो फ्रेंड स्क्वायर पे हम सबकी फ्रेंड होती। तुम छियों के और विकी के भी तकरीबन 2,500 से लेकर 3,000 तक फ्रेंड्स हैं फ्रेंड लिस्ट में। क्या तुम इन सबको पर्सनली जानते हो? नहीं सर, फ्रेंड स्क्वायर पे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वहीं बनते हैं और वहीं रहते हैं, रियल लाइफ में उन सबसे कभी शायद मिले भी नहीं होते। यानी फ्रेंड स्क्वायर पे बने कई फ्रेंड्स रियल लाइफ में हैं भी या नहीं, ये भी नहीं पता होता। लेकिन मैम, वो जो पलक है या फिर वो जो भी है, विकी को क्यों फंसाएगी? एग्जैक्टली, और विकी इतना डफर नहीं है जो ऐसे फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि विकी को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर एक जाल बना गया था। जाल? विकी को किडनैप करने के लिए? लेकिन सर, विकी को फंसाकर उसकी किडनैपिंग हुई है, फिर फिरौती के लिए फिर से कॉल तो आना चाहिए था ना। और फिर हमारे विकी को फंसाएगा कौन और क्यों? हमारा विकी किसी खतरनाक गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया ना? मैंने एक अखबार में पढ़ा था, कोई ऑनलाइन गेम है जिसमें खतरनाक चीजें करने को कहते हैं और बच्चे बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रणदीप जी, इस वक्त दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी हम इस पलक की असलियत जानने में लगे जिसके प्रोफाइल के जरिए विकी को फंसाया गया था। देखते हैं कि सारा कांड इस पलक ने किया था या पलक के मकोटे के पीछे कोई और चेहरा। सब पलक मिल गई, लड़की असली है लेकिन पलक उसका असली नाम नहीं है। तो उस लड़की का असली नाम क्या है? कोई फाल्गुनी गुप्ता है। पलक का प्रोफाइल क्रैक कर रहे थे तब फोटो मैचिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फाल्गुनी का अकाउंट खुल गया। इस फाल्गुनी गुप्ता की कोई ऑफलाइन डिटेल मिल सकती है? कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी? सर मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फाल्गुनी गुप्ता का अकाउंट क्रैक कर रहा हूँ, कोई ना कोई डिटेल तो निकाल ही लूंगा। लेकिन सर एक बात तय है, ये फाल्गुनी गुप्ता रियल प्रोफाइल है। वाकई में कोई लड़की थी जिससे विकी शायद चैट कर रहा था। फाल्गुनी गुप्ता गुरुग्राम में रहती है सर, और फिरौती का पहला कॉल भी गुरुग्राम से आया था ना? जी सर। कौन है ये फाल्गुनी गुप्ता और क्या करती है? फाल्गुनी गुप्ता, एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो? यस मैम। प्रॉब्लम क्या है बताएंगे? छाया एनक्लेव साउथ दिल्ली का एक लड़का है, विकी शर्मा। कौन है ये विकी शर्मा? और आपको मुझसे क्या बात करनी है उसके बारे में? विकी शर्मा इस लड़की का दोस्त है। कौन है ये फाल्गुनी? मैम ये तो मेरा ही पिक्चर है, लेकिन मैं किसी विकी शर्मा को नहीं जानती हूँ।
पर आपको मेरी पिक्चर कैसे मिली और आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? What is this, Falguni? पलक, विक्की शर्मा, कौन है ये लोग? पापा मुझे भी नहीं पता। फाल्गुनी तुम्हारा एक दूसरा प्रोफाइल है पलक के नाम से। तुमने क्यों बनाया, क्या मकसद था, ये हम जानना चाहते हैं। मैम ये अकाउंट मैंने नहीं बनाया, मुझे इस प्रोफाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरा नाम फाल्गुनी है पलक नहीं, और मेरा फ्रेंड्स स्क्वायर पे एक ही अकाउंट है जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और गुरुग्राम में रहती हूँ। पर ये पिक्चर तो आप ही की है ना पलक के अकाउंट में? यस सर एग्जैक्टली मेरी पिक्चर है, तो इसने मेरे रियल अकाउंट से ली होगी। तुम्हारा फोन नंबर क्या है फाल्गुनी? तुम्हारे रियल प्रोफाइल पर मेंशन नहीं है। आपको फाल्गुनी का फोन नंबर क्यों चाहिए? और ये विकी शर्मा कौन है? विकी शर्मा मिसिंग है, किडनैप हुआ उसका, और उसके पिताजी से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। लेकिन सर इस विकी शर्मा से मेरा क्या कनेक्शन है? और मैं दिल्ली के किसी भी विकी शर्मा को नहीं जानती हूँ। तो फिर अपना फोन नंबर देने से डर क्यों रही? आई एम रियली सॉरी बट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और यह ना ही मेरा अकाउंट है ना ही मेरा नाम है। किसने मेरे फोटोज लेकर फेक आईडी बनाया? और मैम इसकी जगह आपकी फोटोग्राफ भी हो सकती थी इसमें। अगर ऐसा होता तो मैं खुद पुलिस के पास कंप्लेन लॉन्च करती, अपना फोन नंबर देने से झिझकती नहीं और कोऑपरेट करती पुलिस के साथ। सॉरी मैम, आप मेरी बेटी को किसी झमेले में नहीं घसीट सकती। सर गुरु खबरी निकलवाएगा इस फाल्गुनी का नंबर। फाल्गुनी हमें नंबर देने से मना कर रही थी, क्या ये वजह हो सकती है उस पर शक करने की? नहीं सर मुझे नहीं लगता, गुस्से या शौक में मना कर रही होगी नंबर देने से। वैसे भी आजकल कोई भी किसी के भी फोटोज डाउनलोड करके एक फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, इट इज वेरी इजी। पलक के नाम की फेक प्रोफाइल फाल्गुनी ने बनाई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, कोई फेक प्रोफाइल में अपने असली फोटोज क्यों यूज करेगा? फाल्गुनी क्या कुछ ऐसा है जो हमें मालूम होना चाहिए और हमें पता नहीं? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, पुलिस क्यों आई? फाल्गुनी कुछ ऐसा है बेटा तो बताओ ना। ओ गॉड ओ कम ऑन पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस का तो काम है ना सब पे डाउट करना। प्लीज यार आप तो मुझ पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट की बात नहीं है बेटा, एक तो हमें तुम्हारी जनरेशन की थिंकिंग समझ नहीं आती, कहीं है तुम्हारा साइकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहा है ना? एक्सपेरिमेंट्स क्लासरूम्स और लैब्स में होते हैं, वो भी सब्जेक्ट्स के साथ। ये ऐसे किसी को हनी ट्रैप करना, किडनैप करना, रैंसम मांगना, ये कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट का काम नहीं है, ये क्रिमिनल का काम है। ये रहा आईपी एड्रेस, सुंदरनगर एरिया में है। थैंक्स हरीश। ये आईपी एड्रेस किसी ओपन वायरलेस राउटर का है सुंदरनगर इलाके में, जो इस पलक वाले फेक अकाउंट ने यूज किया विकी शर्मा से कम्युनिकेट करने के लिए। और सर ये सारी चैट किसी लैपटॉप से हुई है। सर फाल्गुनी के कॉल रिकॉर्ड्स में विक्की का नंबर एक बार भी फीचर नहीं होता है। आपको विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में भी पलक या फाल्गुनी का नंबर नहीं मिला था, और ना ही कोई अननोन नंबर शो हो रहा था, और ना ही कोई नंबर स्विच ऑफ था। सर सुंदरनगर का वायरलेस राउटर ट्रेस हो गया। चलो ये बात तो पक्की हो गई कि विक्की को इसमें डेफिनेटली फंसाया गया है। अब्दुल कहीं ये कोई गेम तो नहीं है? होने के लिए थी गेम, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू। इस केस का किसी गेम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये क्लियर कट हनी ट्रैपिंग का मामला है। और हालांकि सर फिरौती के लिए कॉल आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विक्की शर्मा की किडनैपिंग पैसों को लेकर हुई है। सर विक्की शर्मा के हजारों फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर उनमें से आधे से ज़्यादा को तो वो जानता भी नहीं होगा। जैसे ये पलक का प्रोफाइल, 3 हफ्ते पहले ये प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। मुझे तो लगता है कि शायद स्पेशली ये प्रोफाइल उसी चीज़ के लिए बनाया गया हो। सर ये फेक प्रोफाइल से 3 हफ्ते पहले बनाया गया, तो अगर ये प्रोफाइल विक्की को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया था तो हो सकता है हाल ही में विक्की के साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई झगड़ा, कोई जलन, कोई दुश्मनी, कोई निजी बात या कोई लड़ाई। सर ये सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद कमजोरी बखूबी जानते हैं। कविता विकी के सारे दोस्तों से फिर से बात करो, अलग अलग सबके बैकग्राउंड निकालो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। मल्होत्रा तब तक हम जरा सुंदरनगर जाकर आते हैं, जहाँ के वाईफाई राउटर से सारा खेल खेला गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा मैडम, फाल्गुनी गुप्ता या वायरलेस राउटर के बारे में विकी के दोस्तों को नहीं पता लगना चाहिए, शायद इन्हीं क्लोज दोस्तों के सर्कल में से किसी ने चाल चली हो, बेकार में चौकन्ने हो जाएंगे। निशा उन्होंने तुम्हें भी फिर से कॉल किया क्या? हाँ रश्मि को भी किया, मुझे भी। जितना जो था सो बता दिया है, और नया एडिशनल क्या बोलेंगे यार। लेकिन बार बार हमें क्यों बुला रहे, क्या कुछ पता चला है उन्हें? ये आपका घर है? दरवाजा मैंने खोला है तो घर मेरा ही होगा ना। आपका नाम क्या है? निर्मला जायसवाल। निर्मला जी आपके अलावा घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे हस्बैंड किशन जायसवाल। निर्मला हाँ क्या बात है? किशन जी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? कौन नहीं करता आजकल,
मेरा मतलब है राउटर यूज करते हैं, वायरलेस कनेक्शन। हाँ ऐसे ही कुछ है शायद, राउटर ही कहते हैं। जरा देखिए ये आईपी एड्रेस आपके राउटर का है। इसे क्या बाय हार्ट याद करना पड़ता है? इकलौता बेटा है हमारा, वॉशिंगटन डीसी में रहता है। पिछले साल छुट्टियों में घर आया था, वही ये राउटर शाउटर बिठा के गया है ताकि हम लोग कैमरे में बात कर सके। वो ये सर, ओपन नेटवर्क है, कोई पासवर्ड नहीं। इसके रेंज में आकर कोई भी लॉगिन कर सकता है, सर्फ चैट जो मर्जी कर सकता है, राउटर कंप्यूटर को हैक भी कर सकता है। देखिए किसी ने आपके ओपन नेटवर्क से फ्रेंड स्क्वायर पर जाकर एक फेक अकाउंट क्रिएट किया। ये फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट क्या होता है? अरे वही तो रवि ने बताया था, हम दोनों का अकाउंट भी खोला था उसने, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आपका इंटरनेट कनेक्शन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था? देखिए इस घर में हम दोनों ही रहते हैं बस, और कंप्यूटर भी एक ही है, अब कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसे? कंप्यूटर नहीं किशन जी, वायरलेस राउटर, वो मशीन जिसके जरिए इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आता है। आपके अलावा कोई और भी आपके इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ऐसे कैसे, मुझे जानना है। पूरा दिन तो हम दोनों घर में ही रहते हैं, बाहर अगर गए तो दरवाजे को ताला लगा कर जाते हैं। देखिए दरअसल ये जो वाईफाई राउटर होता है उसकी एक रेंज होती है जो आपके घर के बाहर भी जाती है, तो उस रेंज में आकर कोई भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपने कभी कोई पीजी रखा है या कोई पड़ोसी आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा? पीजी नहीं, कुछ नहीं, और पड़ोस वाला फ्लैट तो सालों से बंद है। आपके यहाँ जो इंटरनेट ऑपरेटर है, ये राउटर आपने उसी से लिया था क्या? हाँ जी, वही लड़का है। नाम नंबर मिलेगा उसका? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। मैम फ्रेंड्स के बीच में तो हर 10 मिनट में फाइट होती रहती है, आप किस टाइप की फाइट की बात कर रही है? ऐसी फाइट निशा जो 10 मिनट में खत्म ना हुई हो, जो बहुत सीरियस हो, विकी के कुछ कहने या करने से किसी को बुरी तरह हर्ट हुआ। नो मैम, इनफैक्ट मैं और विकी तो इस ग्रुप के सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं, हाई स्कूल से, फिर कॉलेज में सेम क्लास सेम बेंच, हमारे दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर नकुल से लड़ाई हुई हो या राहुल से, रश्मि रितिका या निशा से कोई लड़ाई हुई हो विकी की? नो मैम, ऐसी कोई फाइट हुई नहीं जिससे कोई विकी को ट्रैप करे और ऐसे किडनैप वगैरह करे, हम लोग नॉर्मल डिसेंट लोग हैं मैम। रश्मि तुम्हारा दोस्त विकी ट्रैप तो हुआ है। मैम बट विकी ने कभी किसी पलक नाम की लड़की का नाम ही नहीं लिया। राहुल जैसे तुम दोनों फ्रेंड स्क्वायर पर मिले, फ्रेंड्स बने, फिर रियल लाइफ में मिले और एक साथ हैंग आउट करने लगे, विकी के ऑफलाइन फ्रेंड्स तुम्हारे ऑफलाइन फ्रेंड्स भी बने, राइट? राइट मैम। ऐसा कोई और भी है जो ऑनलाइन मिला हो और फिर ऑफलाइन दोस्ती हुई हो? मैम मैं तो इसी ग्रुप को जानता हूँ। हाँ अगर इस ग्रुप के अलावा विकी की किसी के साथ ऑनलाइन टू ऑफलाइन दोस्ती हुई हो तो मुझे नहीं पता। मैम मैंने विकी के फ्रेंड स्क्वायर पर उसके सारे फ्रेंड्स को स्कैन किया जैसे कि आपने मुझे कहा था। अब इनमें से जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे शायद उनमें से कोई हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं नकुल जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? मैम कुछ 75-80 प्रोफाइल्स ऐसे जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब विकी ने कब इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ये लोग कौन है, आई हैव नो आइडिया। फाइट झगड़ा लाइक हैंड टू हैंड या वर्ड टू वर्ड? कभी किसी का कोई सीरियस झगड़ा हुआ था विकी से? कुछ याद आ रहा है रितिका? सोच रही हूँ मैम। देखो पलक का फेक प्रोफाइल क्रिएट हुआ 15 नवंबर को और उसी दिन विकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। अगर किसी ने विकी को हार्म करने का सोचा होगा तो हो सकता है कि 15 नवंबर के आसपास ही झगड़ा हुआ हो। मैम इस वक्त तो मेरे दिमाग की बैटरी बिल्कुल डाउन है। रितिका तुझसे भी वही सवाल किए क्या कि कुछ झगड़ा हुआ करके? डिट्टो। अच्छा सुन सैंडी एक बात बता मुझे, क्या तुझे जेन्युइनली लगता है कि विकी को कोई हार्म करना चाहता होगा? मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा रितिका, यार 4 दिन हो गए हैं विकी का कुछ पता भी नहीं है, बात सीरियस तो है। मुझे बहुत डर लग रहा है सैंडी, एक बात बता मुझे। पुलिस को किसी वायरलेस राउटर का पता चला है जिसके थ्रू एक लैपटॉप से एक फेक आईडी क्रिएट की गई फ्रेंड स्क्वायर पर और विकी को फंसाया गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा, तेरी माँ सही कहती थी, हमें विकी को मुंबई जाने देना चाहिए था। पापा मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ हुआ है उसका मुंबई या एक्टिंग वैक्टिंग से कोई लेना देना है। तो फिर क्या हुआ? मैंने विकी और उस पलक के बीच में हुए चैट्स पढ़े, पुलिस ने दिखाए और अपना विकी लट्टू हो गया था उस पर। क्या हुआ जयसवाल कोटी, क्या वो राउटर है? क्या है राउटर खिड़की के पास? हाँ ड्राइंग रूम की खिड़की के पास टेबल रखी है, टेबल के ऊपर कंप्यूटर राउटर दोनों रखे और केबल कनेक्शन खिड़की के थ्रू ही अंदर आता है। अब्दुल हमने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात की, उनका कहना है कि उन्होंने जयसवाल फैमिली को
इस वाईफाई राउटर का बड़ा सिंपल सा पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6 और उन्होंने आखिरी बार 3 महीने पहले विजिट किया था, लेकिन इस पलक ने तो 15 नवंबर से उनका इंटरनेट इस्तेमाल किया, विक्की के गायब होने के 3 हफ्ते पहले से। और जयसवाल फैमिली को याद भी नहीं है इन 3 हफ्तों के दौरान कोई भी उनके घर आया और इनका वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल किया हो। इंटरनेट के मामले में जयसवाल फैमिली की नॉलेज एकदम ना के बराबर है। इंस्टॉलेशन वाले से बात की हमने, उसने बताया कि जयसवाल फैमिली के कई ऑनलाइन काम उसी ने किए हैं। तो फिर उन्होंने किसी और से ऑनलाइन काम करवाया हो जो उनके घर आया हो? हमने कई बार पूछा उनसे पर उन्हें कुछ भी याद नहीं। तो जब आप जयसवाल के घर गए तब उनका नेटवर्क ओपन था, यानी कि किसी ने उनके पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 को डिलीट करके वहाँ का नेटवर्क ओपन कर दिया होगा। सर कई साल पहले मुंबई में भी एक ऐसे केस हुआ था जहाँ पे लोगों को थ्रेटनिंग मैसेजेस और ईमेल्स भेजे गए थे और बाद में पता चला था कि ये कांड करने वाला वहाँ रहता ही नहीं था जहाँ राउटर इंस्टॉल्ड था। फिर कैसे करता था वो बंदा? एक गाड़ी में घूमता रहता था, बिल्डिंगों के बाहर पार्क करता और चेक करता कि किसका नेटवर्क अनसिक्योर है, तुरंत लॉग इन करता और ईमेल्स भेजता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इस राउटर का रेंज इतना ज्यादा भी तो फैला हुआ नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं, लोगों को उनके घर के कमरे कवर हो जाए वाईफाई से उतनी रेंज आते हैं। 15 नवंबर से 7 दिसंबर की रात तक जयसवाल का नेटवर्क यूज हुआ तो जरूर उसके आसपास के किसी घर से या फिर आसपास किसी गाड़ी में बैठकर ऑपरेट किया होगा। रेंज क्या होगी? 50 मीटर? ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर। हम विक्की शर्मा को फंसाने के लिए रचे गए प्लान का खुलासा करने की कगार पर थे, पर विक्की शर्मा का हाथ क्या हुआ था उसके साथ और क्यों हुआ था? इस पर अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। फिर 2 सुराग एक साथ उभरे। पहला सुराग टेक्नोलॉजी से मिला और दूसरा सुराग एक खबर से। 4 4 4 4 4 4 6 7 6 7 8 7 8 7 6 4। 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में कौन कौन रह रहा था यहाँ? किसने चेक इन किया था? कई लोगों ने किया होगा सर, लॉज है, लोग आते जाते रहते हैं, रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। तुरंत चेक करके बताओ इन 21 दिनों में किस किसने चेक इन किया था। पूछ सकता हूँ क्यों? कोठी नंबर D3 आपके लॉज के पास है? जी हाँ, वो पास में ही है। हमें शक है किसी ने 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच वहाँ के वायरलेस राउटर से लॉगिन करके कोई कांड कर दिया, क्योंकि आपका लॉज उस वायरलेस कनेक्शन के रेंज में पड़ता है। कौन था वो डिलीवरी बॉय जिससे आपने अपना राउटर चेक करवाया था? बेटा उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत हेल्पफुल टाइप का लड़का है वो। एक बार मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसकी हेल्प ली थी। किस चीज की डिलीवरी करता था वो? कहाँ से आता था? यही एक स्टोर है जहाँ से घर में वेजिटेबल और किराना वगैरह डिलीवर होता है। लोग तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते हैं और ये लड़के डिलीवर कर देते हैं। दर्शन कौशल नाम है सर आदमी का। 15 नवंबर को चेक इन हुआ पहली बार, उसके बाद कई बार चेक इन चेकआउट किया, एक दो रात के लिए भी, फिर 7 दिसंबर के बाद कभी नहीं आया। कोई आईडी ली थी इस दर्शन कौशल से? ये लीजिए सर। एक सेकेंड किशन जी, ये किराने की दुकान ऑनलाइन स्टोर है? हाँ हाँ। किशन जी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। उम्मीद करते हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस पर दिया नाम और एड्रेस फर्जी ना। क्या यही था वो डिलीवरी बॉय? हाँ एग्जैक्टली यही था। बेटा 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा मैं भी चेक करता हूँ। थैंक यू। अंकल आपके राउटर में इशू है, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मैं अभी कर सकता हूँ। अंकल आप मुझे बस अपने वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए। उस समय मुझे एक आसान सा पासवर्ड दिया गया था 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने उस लड़के को दे दिया था। शायद उसी के बाद उसने जानबूझकर नेटवर्क का ताला हटा दिया होगा। राहुल पाल, हम दर्शन कौशल को ढूंढ रहे हैं। यही रहता है? जी सर बिल्कुल यही रहता है। दर्शन, कविता हमारे हाथ कुछ लगा है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। और सर मेरे हाथ भी एक ठोस इन्फॉर्मेशन लगी है, विक्की का दोस्त राहुल पाल हमारा कल्प्रिट हो सकता है। मैं उसी के पास जा रही हूँ सर। नहीं रहने दो, राहुल पाल इस वक्त हमारे सामने ही है। तेरा लाइसेंस है दर्शन, मना करने का कोई स्कोप नहीं। और सर जयसवाल फैमिली के वायरलेस नेटवर्क में जिसने लॉगिन किया था वो ये राहुल पाली था। क्या गेम है? विक्की कहाँ? मैम मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस झगड़े के बारे में पता था ना रितिका? मैम मुझे शक था, उस दिन जब आपने मुझे दोबारा बुलाया था उसके बाद मैंने संदीप से भी इस बारे में बात की थी। मुझे डर लग रहा है सैंडी, एक बात बता मुझे। क्या?
क्या ये सब उस झगड़े से रिलेटेड हो सकता है जो राहुल और विक्की के बीच में हुआ था? वो झगड़ा, वो इतना सीरियस था कि राहुल विक्की के साथ ऐसा कुछ करेगा? लेकिन विक्की के साथ कुछ सीरियस तो हुआ है सैंडी। लेकिन मुझे तो लगा था वो झगड़ा वहीं खत्म हो गया था, सब सेटल हो गया था। मैम एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन झगड़ा नवंबर में ही हुआ था। वो एक्चुअली राहुल ने फ्रेंड स्क्वायर पर एक पोस्ट डाला था। गाइस ये देखो मेरे फनी पोस्ट पे कितने सारे लाइक्स आए। शेर 18 घंटे सोता है और गधा 18 घंटे काम करता है, फिर भी जंगल का राजा कौन? मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिन में 18 घंटे सोना चाहिए। वाह यार टू गुड, 120 लाइक्स हां, तुम तो छा गए ब्रो। लेकिन मैंने ये जोक कहीं और भी पढ़ा है। ए राहुल, किसी और के वॉल से स्टेटस तो नहीं चुरा रहा ना? कम ऑन यार, तेरे पोस्ट बड़े ओरिजिनल होते हैं ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी और का स्टेटस शेयर करता हूँ ना तो क्रेडिट देता हूँ, अगर कोड भी शेयर करता तो ऑथर का नाम को क्रेडिट देता हूँ, ऐसे चीप हरकतें नहीं करता। और तुझे भी तो पता है मेरे सारे पोस्ट फालतू नहीं होते। साले तू क्या करता है, अपने जो बॉडी बिल्डिंग के फोटोज डालता है वो बड़े इंटेलेक्चुअल है? देख बॉडी बिल्डिंग के पिक्चर्स तभी डालते हैं जब किसी के पास बॉडी होती है दिखाने जैसी। दिन में 18 घंटे सोने वाले के तो होने से रही। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके एक्टर बनेगा तू? ये जो मुंबई जाके एक्टर बनने के सपने देख रहा है ना तू, फेलियर बन के लौटेगा। अबे बन के दिखाऊंगा, एक्टर क्या स्टार बनूंगा। पर तेरे से कुछ नहीं होगा यार, तू चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, डोर टू डोर डिलीवरी के अलावा तू वो कुछ और कर सकता है? कोई और ऑप्शंस है? गाइस अगली हो रहा है। रितिका अगली मैंने नहीं, अगली इसने किया। सैंडी तूने देखा ना इसने मेरी इंसल्ट की? क्या बोल रहा था तू साले? डिलीवरी बॉय हूं मैं, हूं मैं डिलीवरी बॉय। तो साले डिग्निटी ऑफ लेबर नाम की चीज होती है। एक्टर्स की कोई डिग्निटी नहीं होती क्या? तू तो हमारे ग्रुप में भी नहीं था। फ्रेंड्स स्क्वायर में 2-3-4 कमेंट क्या लिखती है, तू हमारे साथ ऑफलाइन चिल करना शुरू कर दिया। तेरी औकात क्या है मुझे फेलियर कहने की? अबे ओ मुझे मेरी औकात मत बता, तू अपनी देख। साले अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक्टर बनेगा, अपने बाप के पैसों पे चलता है तू। मुझे देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो कम से कम अपने दम पे खड़ा हूँ। मेरे ऊपर जो छत है ना वो मेरी कमाई की है। ये मेरे कपड़े देख रहा है, ये मेरी कमाई के है। अपने घर पे पैसे भेजता हूँ मैं, तेरी तरह नहीं हूँ, मुफ्त का खाता हूँ, एक रुपया नहीं कमाता। रियल लाइफ में जीरो है तू, जीरो। बड़े पर्दे पे हीरो बनेगा, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तेरे बाप की जागीर नहीं है। यार अपना झगड़ा अपने में रखो ना यार। राहुल तू बाप बाप में क्यों जा रहा है? सॉरी बोलो तुम। सॉरी बोलेगा इसको? राहुल तू सॉरी बोल दे, चांस ही नहीं है ब्रो। हमको ईगो और नहीं चाहिए, हम फ्रेंड्स हैं यार। राहुल ने कुछ पोस्ट किया, लाइक्स आ गए, बात खत्म ना। सैंडी तू किसका साइड ले रहा है? वैसे भी मुझे इसके पोस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मुझे जलन होती है इससे। अबे जलन तो कूट कूट के भरी हुई है तेरे अंदर। तुम्हें फादर पे नहीं जाना चाहिए था। चल मैच्योरिटी दिखा थोड़ी, विक्की को सॉरी बोल दे। रितिका तुम कम ऑन राहुल, विक्की को सॉरी बोल दो। चलो विक्की सॉरी, विक्की से सॉरी। सॉरी सॉरी नहीं, हाथ मिलाओ यार, गले मिलाओ, फ्रेंड्स हैं यार। चलो यार चलो। ओके वन सेल्फी प्लीज। मैंने वो हैंडशेक वाली स्नैप अपने वॉल पर भी पोस्ट की थी, और विक्की और राहुल ने लाइक भी किया था, और मैम मैंने कमेंट भी किया था कि कैसे एक हैंडशेक कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है, और कितने सारे लोगों से शेयर भी किया था वो पोस्ट। फ्रेंड स्क्वायर पे लाइक और ऑफलाइन सॉलिड डिसलाइक चल रहा था। राहुल दर्शन विक्की कहाँ? सर जहाँ से होना चाहिए। कहाँ? विक्की ने मेरी इंसल्ट सिर्फ पोस्ट के लाइक्स को लेके नहीं की, और सर सिर्फ मैं नहीं बल्कि संदीप, रश्मि, निशा, नकुल, रितिका और खुद विक्की भी दूसरों के पोस्ट को अपना बनाकर वॉल पे पोस्ट करते थे। विक्की ने मेरी इंसल्ट इसलिए की क्योंकि रितिका मुझे रियल लाइफ में लाइक करने लगी थी। मैं और रितिका बहुत क्लोज आ रहे थे सर, मैं उसे फ्रेंड स्क्वायर पे प्राइवेटली प्रपोज भी करने वाला था सर, लेकिन विक्की कमीने ने मेरी रितिका के सामने ही इंसल्ट की, डिलीवरी बॉय वाली बात छेड़ी, और तो और उस कमीने ने मुझे थप्पड़ भी मारा सर, क्योंकि विक्की जल के खाक हो गया था। रितिका मेरे हर पोस्ट को सिर्फ लाइक नहीं करती थी बल्कि लव करती थी, मेरे सारे वीडियो शेयर करती थी, लेकिन ये विक्की से देखा नहीं जाता था। और तूने फ्रेंड स्क्वायर पर दुश्मनी की चाल और जाल दोनों बुने, पलक के नाम का फेक प्रोफाइल बनाकर। सर मैं बस विक्की को सबक सिखाना चाहता था। विक्की कहता था कि मैं दूसरों के फॉरवर्ड्स को अपना पोस्ट बनाकर बेवकूफ लग रहा हूँ सर, मैं उसे एक फेक आईडी के इश्क में गिराकर और बड़ा बेवकूफ दिखाना चाहता था। भाई घुमा घुमा के दौड़ा दौड़ा के फंसाना है उस साले विक्की को। देर किस बात की, फोड़ते नारियल फ्रेंड स्क्वायर, फंसाते साले को किसी हसीना के जाल में। दर्शन ये बंदी देख क्या बोलता है। कौन है ये? कोई फाल्गुनी गुप्ता करके है, इसने अपने पिक्चर्स की प्राइवेसी सेटिंग भी एकदम जीरो रखी है। 100-150 पिक्चर्स हैं और इसकी, कर दूं क्या डाउनलोड? बनाते नई प्रोफाइल। किस नाम से फंसाना है विक्की को? पलक, ऑपरेशन पलक। ऑपरेशन पलक का मकसद क्या था? बदला। किस टाइप का बदला? राहुल दर्शन विक्की कहाँ है?
अपना हीरो विक्की पहुंच गया। थोड़ा और वेट कराते हैं साले को। मेरे मूड की मम्मी डैडी मत कर विक्की, कहाँ पहुंच गया तू? दर्शन और मैं पलक बनकर चैट कर रहे थे विक्की से, इसलिए कभी फोन पर बात नहीं की विक्की से। सवाल ही नहीं था, अच्छी खासी फिशिंग चल रही थी। विक्की कहाँ है? दुबई पहुंचा हूँ, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस और सुनूंगा ना तो सीधे हांगकांग में मिलूंगा। वहीं रुकना डक्कन, 2 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। चलते हैं और फिर नॉर्मली वापस आके सब कुछ पैकअप करके निकल जाएंगे। राहुल, तू या पलक का वेट हो रहा है? तुझे कैसे पता? बॉम लगती है ना पलक, सीरियसली सेक्सी। तू भी उसके पीछे है? मैं ही तो उसके पीछे हूँ, मिस्टर बाइसेप। तूने विक्की को मार डाला और दफना दी, और फिर तूने विक्की के फोन से फिरौती के लिए भी कॉल किया? नहीं सर, वो मेरा आइडिया नहीं था, मुझे पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं थी सर, वो दर्शन का आइडिया था। दर्शन, तूने बताया कि तू टैक्सी ड्राइवर है? जी। पक्का? किराए का हत्यारा तो नहीं? राहुल का कचरा कर दिया था उस विक्की ने, दिन भर उदास रहता था ये, मुझे लगा फ्रेंड की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ बस। किसी का कत्ल करना तेरे लिए थोड़ी सी हेल्प है? तो फिरौती भी मांगी तूने? मुझे लगा मरी गया तो थोड़े से पैसे भी कमा लेते, बाप अमीर है पैसे वाला, माँ बेटे के लिए तरसेगी, पैसे निकलवाना आसान लग रहा था मुझे। ये वाकई में सच है? जी, कोई पलक थी नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट पर मिले लाइक्स और शेयर का झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। एक बार भी विक्की ने इस पलक के बारे में मुझसे बात नहीं की। आपके भाई ने खुद भी एक बार भी पलक से बात कहां की? करता भी कैसे, पलक होती कोई तब तो बात करता, और इसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। ये तो एक फेक प्रोफाइल पर टाइप किए कुछ शब्दों और फेक प्रोफाइल की तस्वीरों के प्यार में इस कदर डूबा कि फिर उभर ही नहीं पाया। इस लड़के ने क्राइम के लिए तुम्हारे फोटोज इस्तेमाल किए। मैं क्या ही बोलूं पापा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, इट्स डैम शॉकिंग। क्या किया इस लड़के ने? उसकी सूरत देख के कोई नहीं कह सकता था कि वैसा निकलेगा। मुझे तो लगता था मेहनती लड़का है, हमेशा हंस के काम करता था। राहुल पाल और दर्शन कौशल पर कत्ल के लिए आईपीसी धारा 302 लागू हुआ और साथ साथ आईटी एक्ट 66C के तहत किसी की पहचान की चोरी करने का और आईटी एक्ट 66D के तहत कंप्यूटर के द्वारा झूठी पहचान बनाकर किसी को धोखा देने के चार्जेस भी लगे। लोगों की ऑफलाइन यानी कि असली जिंदगी में किसी भी झगड़े को लिमिट में रखकर समझदारी इख्तियार करने की सलाह दी जाती, यही समझदारी, संयम, कॉमन सेंस वर्चुअल ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होनी चाहिए। लाइक्स, शेयर्स, स्माइलीज, ये महज एक्सप्रेशंस हैं और इन्हें यहीं तक सीमित रखें। एक्सप्रेशन का जवाब एक्सप्रेशन से ही दें। असली जीवन में मिलकर बदला लेना, दूसरे को नीचा दिखाना बेहद मूर्खता का प्रतीक है। अपनी ऑनलाइन जिंदगी को सिक्योर बनाइए। कंप्यूटर की प्राइवेसी सेटिंग्स, पासवर्ड्स, वाईफाई सेटिंग्स, नेटवर्क के बारे में जानकारियाँ, आपके सारे अकाउंट्स, आपके फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो आप अपलोड करते हैं उन्हें सिक्योर रखिए, उनके बारे में सतर्क रहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स अपनी निजी जिंदगी के सारे इमोशंस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उतारने को एक ज़रूरत मानने लगते हैं और एक समय के बाद वो एक लत बन जाती है। अगर रात को जब आपको अकेले या पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ किसी सुनसान इलाके में जाना हो तो सबसे पहले आपकी गट फीलिंग आपको ये कहती है कि सतर्क होकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। साइबर स्पेस को भी एक सुनसान सड़क समझकर चलें। अगले मोड़ पर कौन खड़ा है, आपकी कौन सी डिटेल लेकर, आपको नहीं पता।
कोई आपकी कौन सी खबर को क्या समझ बैठा है आपको नहीं मालूम। आप ये भी नहीं जानते कोई एक स्टॉकर घात लगाए बैठा है या अनेक। आपको ये भी नहीं पता कि आप जिसके साथ चैट कर रहे हैं वो एक फेक आइडेंटिटी है या शायद आइडेंटिटी है ही नहीं बल्कि कोई प्रोग्राम है। समझदारी इसी में है कि ऑनलाइन ज़िंदगी में भी उतने ही सुरक्षित रहें जितना ऑफलाइन ज़िंदगी में। अगले हफ्ते नए केस के साथ फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।